स्टूडेंट, अब हम करने वाले हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 6B, ठीक है। क्लास 10th ICSE बोर्ड, चैप्टर नंबर 6 मैथ्स का है। चैप्टर नंबर 6 सॉल्विंग प्रॉब्लम्स की एक्सरसाइज 6B, ठीक है। इससे पहले हम 6A कर चुके हैं, अब देखते हैं यहाँ पर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल कंटेनिंग द राइट एंगल आर 4x सेंटीमीटर एंड 2x माइनस 1 सेंटीमीटर इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द लेंथ एंड इट्स साइड। लेंथ और इसकी साइड्स फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसमें हमें क्या क्या गिवन है। इसकी टू साइड्स गिवन है, ठीक है, और इसका एरिया गिवन है। अब देखो इसे कैसे करेंगे हम यहाँ पर। ये कह रहा है कि जिस साइड पर आपका रेक्टेंगल मौजूद है, ठीक है, जिस पर रेक्टेंगल प्रेजेंट है, वो दोनों साइड्स दिए हैं हमें ये। इसका एरिया गिवन है कितना, 30। इसमें लैंग्वेज आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको जल्दी कराने के लिए, थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट हो इसलिए इसमें लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट होता है, पढ़ चुके हैं हम। हाफ बेस की जगह पर आप बेस, हाइट की जगह पर हाइट, 4x इंटू 30। सिंपल इसे आप यहाँ पर कैंसिल कर सकते हो, तो ये हो गया 2x इंटू 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 30। सोल्व करोगे तो 4x स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस 30 इधर हो जाएगा। सिंपल इक्वेशन हो गई। 2 कॉमन ले सकते हो आप इसमें, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। इसको आप सोल्व कर लेना और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पुट करके आप साइड्स फाइंड कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 26 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ अदर टू साइड्स इज 34 सेंटीमीटर, ठीक है। द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 26 सेंटीमीटर एंड द सम ऑफ द अदर टू साइड्स, ठीक है, इज 34 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, ठीक है। तो इसमें भी सिंपल ही क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर भी ये बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाइपोटेनस तो इसका 26 है और अदर टू साइड्स का सम कितना है, 34 है। तो अगर आपने इसको x लेट किया तो ये कितना हो जाएगा, 34 माइनस एक्स, ठीक है। इन दोनों का सम करोगे 34 आएगा। अब आपको क्या करना है इसमें, अब आपको इसमें करना है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस 26 होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर एक्स स्क्वायर, ठीक है, 34 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। फिर आपको इसको सॉल्यूशन कर लेना, जो एक्स की वैल्यू मिलेगी वो साइड होगी आपकी, और 34 माइनस एक्स करोगे इसका बेस हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, तीनों साइड आपको मिल जाएंगी फिर, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं इसमें हम। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है, दिस साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल्स आर दिस दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, इट्स एरिया, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले हमें पहचानना होगा इसमें हाइपोटेनस साइड होगी। देखो बताओ इसमें हाइपोटेनस साइड कौन सी होगी बच्चों, ठीक है। हाइपोटेनस साइड क्या होती है, जो हमारी सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी, 3x प्लस 1, ठीक है, ये इसकी लॉन्गेस्ट साइड होगी क्योंकि 3x इससे छोटा होगा और ये तो x में से फिर और भी माइनस कर रहा है, इसलिए तो ये सबसे छोटी होगी। तो इसे आप कुछ भी लेट कर सकते हो, ये 3x, ये x माइनस 1, इन दोनों को आप कुछ भी लेट कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड कर लेना सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, ठीक है। लैंग्वेज आपको लिख लेनी है, तो यहाँ पर हाइपोटेनस होगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू परपेंडिकुलर होगा 3x का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर आपको वही सॉल्यूशन करना है, ठीक है। अब फिर लेंथ ऑफ इट साइड, लेंथ ऑफ इस साइड निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक्स एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पर अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू लेट कर लेते हैं 10 आती है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 10 = 30, ठीक है। यहाँ पर 10 − 1 = 9, यहाँ पर 10 रखोगे आप, 30 + 1 = 31, इस टाइप से आप फाइंड कर सकते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, ये दोनों साइड आएंगी हमारी, बेस और हाइपोटेनस, हाफ बेस इंटू हाइट अप्लाई कर देना है। इसमें सिंपल निकाल सकते हैं हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
फाइव की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव फोर्थ में, इसमें कह रहा है द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड्स वन साइड बाय 1 सेंटीमीटर एंड अदर साइड बाय 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल्स की लेंथ फाइंड करनी है। तो इसमें कह रहा है कि जो इसका हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एक्सीड वन साइड, एक साइड से कितना ज़्यादा है, एक साइड से कितना ज़्यादा है, वन ज़्यादा, तो इसे वन कम कर दो, इससे वन ज़्यादा हो गया, और दूसरी साइड से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा, तो इसे 18 कम कर दो, उल्टा सोचो थोड़ा सा। ठीक है, इसे वन कम कर दिया तो ये वन बड़ा हो गया इससे, ठीक है, क्योंकि इसमें एक प्लस करोगे तो ये आएगा, इसे 18 छोटा कर दो क्योंकि फिर इसमें 18 प्लस करोगे तो ये मिलेगा आपको। सिंपल ये कर लेना, फिर आपको वही सॉल्यूशन करना है सिंपल। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ आते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर फाइव में द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल्स का जो डायगोनल है वो बोल रहा है कितना, 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड, इसकी शॉर्टर साइड से 60 मीटर मोर है। ठीक है, एंड द लार्जर साइड इज 30 मीटर मोर। ठीक है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्टर साइड एंड द लार्जर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड से जो लार्जर साइड है वो 30 मीटर मोर है, शॉर्टर साइड से जो लार्जर साइड है वो 30 मीटर मोर है। ठीक है, ये हो गया हमारा, फाइंड द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की साइड्स फाइंड करने के लिए वही आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दोगे। जैसे अगर अभी ये ए बी सी डी क्या है हमारा रेक्टेंगल है, तो इसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना, इसको सोल्व कर लेना, सिंपल है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या बोल रहा है, The perimeter of a rectangle is 104 meter and its area is 640 meter square. Find its length and breadth. ठीक है, इसका length और breadth find करना है हमें। Perimeter of a rectangle, rectangle का perimeter 104, perimeter होता क्या है, अगर आपके पास ये rectangle है, ठीक है, इसमें इसको length और breadth लेट किया है आपने, ठीक है, इसको x मान लेते हैं, इसको y, ठीक है, तो perimeter क्या होता है, 2l plus B, इसको x, इसको y, तो x प्लस वाई क्या हो सकता है हमारा, 2 से डिवाइड करोगे तो 52। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, आगे देखते हैं। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 104 एंड इट्स एरिया, एरिया कितना है इसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, 640 रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी, एल की जगह एक्स, बी की जगह वाई, 640। ठीक है, अब देखो आप इसको दो वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स में इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे, एक्स या वाई की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ से वाई लिख सकते हो कितना, 52 माइनस एक्स, ठीक है, तो वाई को लिखना 52 माइनस x इक्वल टू 640। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, इसको सोल्व कर लेना और आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं। ए फुटपाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स अराउंड द इनसाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड 32 मीटर लॉन्ग एंड 24 मीटर वाइड। इफ द पाथ ऑक्यूपाइज 208 मीटर स्क्वायर, फाइंड द विड्थ ऑफ द फुटपाथ। फुटपाथ की विड्थ फाइंड करनी है। एक फुटपाथ है जो यूनिफॉर्म विड्थ का है, रन्स राउंड राउंड द इनसाइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के इनसाइड घूमता है चारों तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में देखो लैंग्वेज क्या कह रहा है। ये रेक्टेंगल लिया हमने, इसके अंदर की तरफ एक फुटपाथ है, ये पाथ है एक जी, यूनिफॉर्म विड्थ है जिसका, मतलब सभी जगह से इसका चौड़ाई जो है वो, इसकी चौड़ाई सभी जगह से बिल्कुल सेम है। मीन्स अगर ये यहाँ से लैट कर लेते हैं, अगर ये 2 मीटर चौड़ी है तो इधर सभी से 2 मीटर ही चौड़ाई है इसकी। ठीक है, लेकिन इसका लेंथ और ब्रेथ दिया है हमें, कितनी दी है लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, 32 मीटर लॉन्ग है ये और 24 मीटर वाइड,
और कह रहा है कि इफ द पाथ ऑक्यूपाइज 208 मीटर स्क्वायर, जब पाथ का एरिया है ये कितना है 20, ठीक है, एरिया ऑफ पाथ है 208, ठीक है, तो हमें 208 मीटर स्क्वायर दिया है, इसका क्या करेंगे हम, देखो सिंपल, इसमें क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ पाथ फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे एरिया ऑफ पाथ बताओ, इसमें अगर आपको एरिया निकालना है सिर्फ पाथ का एरिया, तो आप क्या करोगे, सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा रेक्टेंगल है इसमें से छोटा रेक्टेंगल माइनस कर देंगे, तो क्या होगा हमारे पास ये एरिया मिलेगा। लेकिन बड़े रेक्टेंगल का तो आप एरिया निकाल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन छोटे वाले की लेंथ इंटू ब्रेथ कैसे करोगे, आपको लेंथ और ब्रेथ पता ही नहीं है, तो हम इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करेंगे सबसे पहले छोटे वाले। कैसे, देखो ये एक्स लेट किया आपने, इधर से भी एक्स है इधर से भी एक्स है, ठीक है, तो इधर से एक्स माइनस करो इधर से एक्स माइनस करो, तो 32 में से कितना माइनस कर दो 2x, तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी सेम एज इट इज़। इधर से एक्स लेट कर माइनस कर दो इतना इतना माइनस इतना माइनस इधर से कर दो, दोनों तरफ से एक्स एक्स माइनस करोगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा ब्रेथ 24 माइनस 2x, ठीक है, ये हो गई। अब सिंपल आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको बड़ा एरिया लेना है, ठीक है, इसमें लिख सकते हो आप एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ पाथ के, एरिया ऑफ पाथ कितना दिया है 208, ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं 32 × 24 माइनस एरिया ऑफ इसको मल्टीप्लाई कर देना किससे, इक्वल्स टू 208, ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर सकते हो, आप इसको सॉल्व कर लेना, इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेना, ठीक है। अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता आपको तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, तो हो गया सिंपल ये। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। टू स्क्वायर्स हैव अ साइड x सेंटीमीटर एंड x प्लस 4 सेंटीमीटर, दिस सम ऑफ देयर एरियाज इज 656 स्क्वायर सेंटीमीटर, एक्सप्रेस दिस एज एन एलजेब्रिक इक्वेशन इन x एंड सोल्व द इक्वेशन टू फाइंड द साइड्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है, टू साइड्स हैं आपके पास और टू स्क्वायर्स हैं हैव साइड्स x सेंटीमीटर एंड x प्लस 4 सेंटीमीटर, ठीक है, दो स्क्वायर्स हैं, एक का साइड x है और दूसरे का है x प्लस 4, ठीक है, दिस सम ऑफ देयर एरियाज, सम ऑफ देयर एरियाज, ठीक है, इनके एरियाज का सम कितना है 656 सेंटीमीटर, इनके एरियाज का सम, तो इसका एरिया, छोटे वाले का एरिया कैसे निकालोगे आप, x इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस, इसका एरिया कैसे निकालोगे, इन इसको साइड को मल्टीप्लाई करोगे, कितना मिलेगा हमें 656 के, इसको सोल्व कर लेना इजीली हो जाएगा, अब तो आप कर ही सकते हो इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, 9th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9th में, द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड आर 50 मीटर बाय 40 मीटर, ए फ्लावर बेड इज प्रिपेयर्ड इनसाइड दिस फील्ड, एक फ्लावर बेड बनाया गया है इसके इनसाइड में, लीविंग अ ग्रेवल पाथ, एक पाथ छोड़ दिया गया है चारों तरफ, ठीक है, ऑफ ए यूनिफॉर्म विड्थ ऑल अराउंड द फ्लावर बेड, द टोटल कॉस्ट ऑफ लेइंग द फ्लावर बेड एंड ग्रेवलिंग द पाथ एट 30 रुपीज़ एंड ₹20 पर स्क्वायर मीटर्स रेस्पेक्टिवली इज दिस, फाइंड द विड्थ ऑफ द ग्रेवल पाथ, ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें समझना है आपको, सिंपल है पहले वाले की तरह, 7th क्वेश्चन की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझना होगा, इसमें बोल क्या रहा है ये लैंग्वेज में। देखो ये कह रहा है कि एक आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, बिल्कुल सेम उसी की तरह जैसे हमने पहले किया है, ठीक है, ए फ्लावर बेड इज प्रिपेयर्ड इनसाइड द फील्ड लीविंग अ ग्रेवल पाथ, एक पाथ है आपका यहाँ पर, इसको छोड़ दिया गया है और बीच में एक फ्लावर बेड बनाया गया है, लीविंग ग्रेवल पाथ, इसकी भी यूनिफॉर्म विड्थ है जैसे अभी हमने 7th में किया था, ठीक है, द फ्लावर बेड इज प्रिपेयर्ड इनसाइड द लीविंग अ ग्रेवल पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑल अराउंड द बेड, द टोटल कॉस्ट ऑफ लेइंग द फ्लावर बेड एंड ग्रेवलिंग द पाथ, ठीक है, फ्लावर बेड को टोटल कॉस्ट ऑफ लेइंग द फ्लावर बेड, फ्लावर बेड को ले करने की कॉस्ट है 30 रुपीज, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, और ये जो पाथ है इसको ग्रेवल करने की
क्या है कॉस्ट, इसको ग्रेवल करने की कॉस्ट है 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों का टोटल कॉस्ट जो आता है वो कितना आता है, 52,000, ठीक है। तो बताओ हम इनकी कॉस्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, अगर आपको करना है पाथ का कॉस्ट तो आप क्या करोगे, अगर आपको पाथ की कॉस्ट निकालनी की टोटल कितनी कॉस्ट आएगी इसको ले करने में, ठीक है, जैसे इसमें मतलब हमें टाइल वगैरह लगाना है उसको लगाने में कितने रुपए लगेंगे, अगर उसको 20 रुपये मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग उसका रेट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एरिया ऑफ पाथ इनटू उसका पर मीटर कॉस्ट, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर बेड करोगे इनटू उसका पर मीटर कॉस्ट, इक्वल्स टू आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी जो आपको दी है, ठीक है। इस टाइप से इसकी एक इक्वेशन बनेगी। तो सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर एरिया ऑफ पाथ पुट करना है और यहाँ पर एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ठीक है। एरिया ऑफ फ्लावर बेड कितना हो जाएगा, ये तो आपको क्या दिया है 50 और 40 दिया है, सिंपल, ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 माइनस 2x, ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 2x, ठीक है। तो आप इसमें सिंपल कर सकते हैं, आपको यहाँ पर एरिया ऑफ पाथ पुट करना है, एरिया ऑफ फ्लावर बेड करना है, ठीक है। यहाँ पर एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए आप क्या करोगे, एरिया ऑफ पाथ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, आउटर रेक्टेंगल है जो, इसके एरिया में से माइनस कर दोगे क्या इनर रेक्टेंगल, इनर रेक्टेंगल ये है, इनर रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, इंटू 20 प्लस, इसमें भी आप क्या करोगे, इसमें तो सिंपल है एरिया ऑफ फ्लावर बेड करना है आपको, तो इसमें तो सिंपल आपका क्या हो जाएगा, ये क्योंकि फ्लावर बेड के डायमेंशन हमारे पास ही आ चुके हैं, फिफ्टी टू थाउजेंड, ठीक है। इसको सिर्फ आपको क्या करना है, आप सोल्व करना है, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो सोल्व करके दिखा देते हैं आपको, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा ये, ठीक है, देखते हैं। तो 5 4 से कितने होते हैं हमारे पास, 20 और 2 0 ये 2000 हो गया ये, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये 2000 माइनस 100x माइनस 80x माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर इंटू 20, फिर यही हमारा प्लस, बिल्कुल सेम यही वैल्यू मिलेगी अंदर, 2000 माइनस 100x माइनस 80x प्लस 4x स्क्वायर और माइनस 4x स्क्वायर होगा, प्लस होगा, प्लस होगा, माइनस माइनस 4x स्क्वायर इंटू 30 इक्वल्स टू 52,000, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, देखो इन दोनों में से यहाँ पर 0 कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ से 0, यहाँ से 0 मीन्स यहाँ से 10 कॉमन, दोनों में से 10 कॉमन, देखो इतने में ये और यहाँ पर ये, इन दोनों से 10 कॉमन लोगे, 2000 माइनस साइन अंदर जाएगा 2000, ये माइनस 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 का कितना हो जाएगा 180, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 180, माइनस प्लस माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर रह जाएगा हमारा 20 का 2, क्योंकि हमने 10 कॉमन ले लिया है, प्लस यहाँ पर 2000 माइनस 180x और प्लस 4x स्क्वायर इंटू 3 इक्वल्स टू 52,000, ठीक है। अब 10 इधर आएगा तो एक जीरो कम हो जाएगा इधर, अब यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ रह जाएगा 180x माइनस का 4x स्क्वायर, इसमें 2 से मल्टीप्लाई है
प्लस यहाँ पर 2000 माइनस 180x प्लस 4x² इंटू 3 है इक्वल्स टू हो जाएगा 5200। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो 2 से, या फिर इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो अभी कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे 4 कॉमन आ रहा है दोनों से 4 ले सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा 360x माइनस 4 2 8x² प्लस 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 6 2 6 6000 8 3 5 40x प्लस 3 4 12x² इज इक्वल्स टू 5200। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, देखो एक्स एक्स वैल्यूज एक साथ, ये वाली एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू एक साथ, ये वाली, इन दोनों को सोल्व करोगे तो मिलेगा 4x², क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, इन दोनों को सोल्व करोगे कितना मिलेगा, माइनस का कितना 540 में से 360 माइनस कर दो 180 मिलेगा, इन दोनों को माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा 180x मिलेगा। फिर ये 6000 है पर माइनस 5200, जिधर से आकर माइनस हो गया 4x² माइनस 180x माइनस करोगे कितना बचेगा 800 बचेगा, 4 कॉमन लोगे x² माइनस 4 4 16 टू कैरी 4 5 20 प्लस 4 2 8 ये हो गया। अब एक 4 से इधर जाकर 0 हो जाएगा, 0 के साथ बचेगा ये हमारा। अब 200 के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर 45 आए, बताओ क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो 200 के फैक्टर्स देखने हैं हमें। ठीक है, तो यहाँ पर इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, इसे हम लिख सकते हैं 40 प्लस 5। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 200 आएगा और प्लस करोगे तो 45। ये 40x माइनस 5x प्लस 200 इक्वल्स टू, इन दोनों में से कॉमन x माइनस 40, इन दोनों में से कॉमन 5 तो x माइनस 40, यहाँ पर x माइनस 40 और यहाँ पर x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 40 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू हो गया 40 और x इक्वल्स टू हो गया 5। ठीक है, ये दोनों हमारे सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, अब बताओ इसमें से हम x की वैल्यू क्या ले, x की वैल्यू क्या 40 ले सकते हैं हम, क्या इसकी विड्थ इतनी हो सकती है कि ये पूरे इसको ही कवर कर ले, फ्लावर बेड ही ना है, पूरी विड्थ तो ये इतनी हो जाएगी 40 लेंगे तो हम, तो 40 नहीं लेंगे, हमारी विड्थ कितनी होगी 5, तो x की वैल्यू होगी हमारी 5, तो हमारे फ्लावर बेड की विड्थ कितनी हो गई 5। ठीक है, तो ये हमारे पाथ की विड्थ आ गई हमारी 5। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10th में बोल रहा है एन एरिया इज पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ ए सर्टेन साइज एंड द नंबर्स रिक्वायर्ड इज 128। ठीक है, किसी भी एरिया को पेव करने के लिए, कवर करने के लिए किसी साइज की टाइल्स चाहिए जो कितनी है नंबर्स में 128 है। इफ़ द टाइल्स हैज़ बीन 2 सेंटीमीटर स्मॉलर ईच वे, अगर टाइल्स को क्या कर दिया है दोनों तरफ से 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए तो 200 टाइल्स वुड हैव बीन नीडेड टू पेव द सेम एरिया, तो सेम एरिया को पेव करने के लिए कितनी टाइल्स लगेंगी 200 टाइल्स लगेंगी। ठीक है, फाइंड द साइज ऑफ द लार्जर टाइल्स, लार्जर टाइल का साइज करना है, तो हमने लेट किया कि लार्जर टाइल्स है उसकी साइड कितनी है x, इसकी अगर हम इसे छोटी टाइल्स कर दें जिनका एरिया कितना दोनों तरफ से 2 सेंटीमीटर कम कर दें हम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसको 200 टाइल्स लगेंगी करने में। अब इसमें हम इक्वेशन कैसे फॉर्म करें, ठीक है, मतलब जो आपका एरिया है जिसमें टाइल्स लगेंगी वो दोनों के लिए ही सेम है, ठीक है, इसमें लगती हैं कितनी टाइल्स 128, तो आपको क्या करना है इसका जो एरिया है, ठीक है, उसमें कितनी लगेंगी 120 टाइल्स,
तो एक टाइल का एरिया निकालो उसमें 120 मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेम एरिया आएगा जो इस बड़े ग्राउंड का एरिया होगा जिस पर ये हमें टाइल पेव करनी है। ठीक है, सेम एज इट इज़ अगर आप क्या करोगे इसका एरिया एक टाइल का एरिया निकालोगे उसमें 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उतना ही एरिया आएगा जितने में ये हमें टाइल लगानी है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि सेम टाइल्स लगेंगी यहाँ पर, अगर ये साइज़ बड़ा होता है तो 120 टाइल्स लगेंगी इस एरिया में, ये साइज़ छोटा हो जाता है तो 200 टाइल्स लगेंगी। तो सिर्फ आपको क्या करना है यहाँ पर एरिया निकालो, एरिया ऑफ लार्जर टाइल कितना होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्मॉलर टाइल का एरिया कितना होगा एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा साइड इंटू साइड। ठीक है, अब अगर इसमें 120 की मल्टीप्लाई करते हो आप वो इक्वल हो जाएगा किसके, अगर आप इसमें 200 की मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि अगर आप इतने मल्टीप्लाई करते हो तो वो सेम एरिया आएगा जो इससे मल्टीप्लाई करने पर आएगा। क्यों? क्योंकि ये सभी टाइल्स लगेंगी तो इस एरिया में, इस एरिया को ही कवर करेंगी ये 128 टाइल ही सिर्फ इस एरिया को कवर कर सकती हैं, ये 200 टाइल्स करेंगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है इसको सोल्व कर लेना है, आप इसका सोल्यूशन कर सकते हो सिंपल। ठीक है, तो इसमें मेन जो है हमारा क्या होता है इक्वेशन फॉर्म करनी होती है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं, 10 हो गया हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ए फार्मर हैज 70 मीटर ऑफ फेंसिंग विद विच ही एनक्लोज थ्री साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर सीप पैन। ठीक है, उसका एक सीप पैन है जिसमें वो भेड़ वगैरह रखता है अपने, उसकी वो फार्मर 70 मीटर की फेंसिंग लगाता है जिससे कि उसकी थ्री साइड्स, जैसे ये रेक्टेंगुलर सीप पैन है इसकी थ्री साइड्स तो कवर हो जाती हैं, एक साइड नहीं होती। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ द पैन इज 600 स्क्वायर मीटर, इसका एरिया कितना है टोटल, एरिया कितना है इसका 600 स्क्वायर मीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स शॉर्टर साइड, इसकी शॉर्टर साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर हमने लेंथ किया एक्स, ब्रेथ की वाई, ठीक है, तो हमें इसकी शॉर्टर साइड की लेंथ फाइंड करनी है तो हमें मीन्स वाई फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो, ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक 70 है, इसका मीन्स हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है y प्लस एक्स प्लस वाई, इसकी लेंथ है 70, तो मीन्स x प्लस टू वाई की लेंथ है हमारे पास 70। ठीक है, इसको यूज़ करेंगे हम कैसे, एरिया उठा लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है क्या होता है एल इंटू बी 600। इसमें से x या y को एलिमिनेट कर दो आप, जैसे आप क्या कर सकते हो x को लिख सकते हो 70 माइनस टू वाई, एक्स को लिख दिया हमने 70 माइनस टू वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 600। इसको सोल्व करो, y की वैल्यू फाइंड कर लो, यही करना है हमें, y की वैल्यू ही तो चाहिए तो y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप सिंपल। ठीक है, तो इसमें जो मेन होता है वो इक्वेशन फॉर्म करना होता है, अगर आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई फिर तो आप सॉल्यूशन इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे देखो इसमें 2b कॉमन आ रहा है, अभी आप 2b कॉमन ले सकते हो तो और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगी इक्वेशन हमारी, 300 के फैक्टर प्लस करने पर 35 आपको करना है और इसको देखना है वाई की वैल्यू प्लस में लेनी, क्योंकि लेंथ हमेशा प्लस में होती है माइनस वाली नहीं होती। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो ईजिली। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 12। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है ए स्क्वायर लॉन इज बाउंडेड ऑन थ्री साइड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड, इफ द एरिया ऑफ अ पाथ इज 7/8 दैट ऑफ द लॉन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द लॉन, लॉन के डायमेंशन फाइंड करने हैं। हमारे पास एक लॉन है, लॉन हमारा क्या होता है जिसमें आप फूल वगैरह बगीचा कह सकते हो आप इसे लगाते हो घर में। ठीक है, तो हम जैसे घर में छोटा सा पार्ट बना देते हैं घर के बाहर ही की जिसमें हम फूल वगैरह लगाते हैं उसको लॉन बोलते हैं। यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर लॉन इज बाउंडेड ऑन थ्री साइड बाय अ पाथ ऑफ 4 मीटर वाइड, ये 4 मीटर वाइड पाथ से थ्री साइड से कवर है, किस टाइप से, ये 4 मीटर वाइड है। ठीक है, इसकी हमें और जो ये है स्क्वायर लॉन है, इसका मीन्स इसकी साइड सभी इक्वल है
ठीक है, हमने एक्स लेट किया। अब क्या करना है आपको, फाइंड डायमेंशन ऑफ द लोन, लोन के डायमेंशन मीन्स एक्स की वैल्यू निकालना फाइंड करनी है आपको। क्या करें अब हम इसमें, इसमें कह रहा है कि एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ पाथ कितना है आपका, 7/8 एरिया ऑफ द लोन। सिंपल, फिर तो ये सिंपल हो गया। अब तो यहाँ पर एरिया ऑफ पाथ रख दो, यहाँ पर एरिया ऑफ लोन रख दो। एरिया ऑफ पाथ कैसे फाइंड करोगे भाई, एरिया ऑफ पाथ कैसे फाइंड करोगे, ये जो बाहर वाला रेक्टेंगल दिख रहा है इसमें से छोटा वाला अंदर वाला स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। लेकिन ये बाहर वाला रेक्टेंगल की साइड्स क्या होंगी, देखो यहाँ पर ये एक्स है, इधर फोर ऐड करो, इधर फोर ऐड करो, कितना हो जाएगा एक्स प्लस एट। ये विड्थ कितनी होगी इसकी, यहाँ तक ये एक्स है, ये पूरा एक्स है, इसमें फोर ऐड करोगे, ठीक है, यहाँ तक तो एक्स है, इसमें फोर ऐड और कर दो, टोटल इसकी विड्थ कितनी हो गई, एक्स प्लस फोर, ठीक है। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे आएगा आपका, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसमें से माइनस कर दो, एरिया ऑफ स्क्वायर जो छोटा वाला स्क्वायर है इक्वल्स टू 7/8 एरिया ऑफ लॉन, एरिया ऑफ लॉन तो आपको पता है, ठीक है, एरिया ऑफ लॉन, एरिया ऑफ लॉन कितना है हमारा, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। सिंपल आप कर सकते हैं, इसको सोल्व करना है, फिर एट को उधर मल्टीप्लाई कर देना, जैसे इसे सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस एट एक्स प्लस फोर थ्री एट फोर 32 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 7/8 एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 12x प्लस 32 इक्वल्स टू 7/8 एक्स स्क्वायर, एट को उधर ले जाओ आप, एट को उधर लेके आएंगे, ये हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, एट 7x² 0, ये 7x² को इधर ही रहने देते हैं क्योंकि इधर लेके आएंगे तो माइनस का होगा, तो इधर ही रहने दिया हमने इसे, फिर माइनस 96x और माइनस 256, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने, देखो 7 अगर इसमें से कॉमन आ रहा है तो 7 कॉमन ले सकते हैं, आ रहा है क्या 7 कॉमन, नहीं आ रहा है, तो आपको अब इसके फैक्टर्स देखने हैं कि क्या होंगे ऐसे फैक्टर, ठीक है, इसके ऐसे फैक्टर की माइनस करने पर कितना आए हमारा 96 आए, ठीक है। कैसे करने होते हैं फैक्टर, देखो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर इसके फैक्टर करोगे, या फिर इसको ऐसे रहने दो, 256 के फैक्टर कर लो, ठीक है। जैसे 256 के फैक्टर क्या होंगे, 128 टू जब 256 होते हैं इंटू 7, ठीक है, ये 14 होगा। अब इसके और फैक्टर करोगे तो 64 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है, तो 64 हो गया, अभी भी नहीं आ रहे फैक्टर, ठीक है। और देखते हैं इसके फैक्टर, एक फैक्टर बड़ा होना चाहिए एक छोटा होना चाहिए तभी इसके फैक्टर मिलेंगे हमें, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो एक 96 से बड़ा होना चाहिए, एक वैल्यू 96 से बड़ी बननी चाहिए, 8 जो 64 होते हैं, ठीक है, जैसे 7 2 14 2 28 8 कितने होंगे, 8 ज़्यादा हो जाएगा ये तो, ठीक है। तो इसको 4 में ब्रेक करते हैं, 2 × 4 28 फोर ज़ा कितने होते हैं, 16 आया, 4 करेंगे 96 आएगा। तो इसके यहाँ पर जो फैक्टर होंगे हमारे 7x² माइनस 112 माइनस 16x माइनस 256, ठीक है। तो ये हमारा 0 इक्वल्स टू 7x² माइनस 112 एक्स माइनस माइनस प्लस 16x माइनस 256। कॉमन लेंगे क्या, 7 कॉमन आ रहा है,
सेवन लेते हैं इसमें कितना बचता है, आता है हमारा सेवन कॉमन, तो सेवन एक्स कॉमन ले रहे तो एक्स माइनस सेवन वन जै सेवन, सेवन सिक्स 42, 16 कॉमन लेते हो तो एक्स माइनस 16, तो हमारे दो फैक्टर हो गए एक्स माइनस 16 एंड 7x। सेवन एक्स प्लस 16 तो एक्स माइनस 16 इक्वल्स टू ज़ीरो, 7x प्लस 16 इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी 16 होगी, एक्स की वैल्यू माइनस में तो कभी नहीं आएगी, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू नहीं होगी हमारी, एक्स की वैल्यू क्या होगी 16। तो ये क्या होंगे हमारे डायमेंशंस होंगे किसके, लोन के डायमेंशन क्या होंगे 16 × 16। फिर चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 में बोल रहा था एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल रूम इज 300 मीटर स्क्वायर, इफ द लेंथ वर डिक्रीज्ड बाय 5 मीटर एंड द ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 5 मीटर द एरिया वुड बी अनअल्टर्ड। तो एरिया क्या होगा अनअल्टर्ड होगा, मतलब चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम, ठीक है, रूम की लेंथ फाइंड करनी है आपको। एरिया ऑफ ए बिग रेक्टेंगुलर रूम इज 3 मीटर स्क्वायर, ठीक है, रेक्टेंगुलर रूम है इसका एरिया कितना है 300 मीटर स्क्वायर। यदि लेंथ वर डिक्रीज्ड बाय 5, ठीक है, इसकी हमने लेंथ ब्रेथ लेट किया एक्स और वाई, ठीक है, तो इसका भी एरिया यही रहेगा, मीन्स एक्स इंटू वाई करोगे तो एरिया यही रहेगा। और अगर इसकी साइड को क्या कर दे, इफ लेंथ इज डिक्रीज बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 5, ठीक है, तो क्या होगा इसमें हमारा द एरिया वुड बी एन एल्टर, तो एरिया इसका एन एल्टर रहेगा, मतलब एक्स इंटू 5 और वाई प्लस 5 करेंगे तो एरिया एन एल्टर रहेगा, मीन्स एरिया ये भी इक्वल रहेगा, ठीक है, द एरिया वुड बी अनअल्टर्ड फाइंड द लेंथ ऑफ रूम, ठीक है, लेंथ ऑफ रूम फाइंड करना है हमें। अब दोनों का एरिया सेम रहेगा हमारा, ठीक है, यहाँ पर जो एरिया है हमारा ये है, तो अगर हम इसे सिर्फ x में ही लेना है क्योंकि हम इसे x में ही सॉल्व कर सकते हैं, देखो ये जो इक्वेशन बनी है हमारी दोनों, इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं हम, x इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 और y प्लस 5, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे कितना हो जाएगा एक्स वाई माइनस का प्लस का 5x माइनस का 5y और माइनस का 25, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो ये इक्वेशन हो गई हमारी 5x माइनस 5y माइनस 25y, ठीक है, यहाँ से 5 कॉमन लोगे आप तो एक्स माइनस वाई माइनस 5, ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई अब, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, या तो आप ये एक्स या वाई की वैल्यू फाइंड कर लो इसमें से, जैसे यहाँ पर एक्स, चलो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि हमें लेंथ फाइंड करनी है, तो वाई की वैल्यू लेते हैं, वाई इधर लेके आए हम तो एक्स हो जाएगा, वाई अगर हमारे इधर प्लस में तो एक्स माइनस 5, तो ये हो जाएगी वाई की वैल्यू। अब क्या करेंगे, इस वाई की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो एक्स वाई की वैल्यू कितनी है एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 300, इसको सॉल्व कर लो आप, आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है, 300 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 5 ये करना है आपको, ठीक है, तो फिर आपको इसका आंसर मिल जाएगा जो एक्स की वैल्यू मिलेगी, और एक्स की वैल्यू हमेशा प्लस में होगी, ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक के बटन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि क्या हो आपको जो आपके आसपास बच्चे हैं वो सभी इसको समझ सकें, ठीक है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और बच्चे ऐसा मटेरियल देखते रहते हैं जिसमें उनको ईजिली से
क्या आ जाए समझ में आए, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सभी बच्चों को ये हेल्प कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।